अहम यानी असम भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और इस स्टेट का बॉर्डर नॉर्थ में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ईस्ट में नागालैंड और मणिपुर, साउथ में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, और वेस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, इस स्टेट को भारत से जोड़ता है। अहोम में शक्तिशाली अहोम किंगडम की स्थापना 1228 में हुई थी जब मोंगमाओ के एक राजकुमार स्वर्गदेव सुकाफा ने ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया था। अहोम डायनेस्टी 1228 से 1826 तक चला। सुकाफा द्वारा स्थापित अहोम डायनेस्टी 600 वर्षों से अधिक समय तक अपने शासन में मुगलों का आक्रमण और मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए जाना जाता है। इसने ब्रिटिश शासन से इंडिपेंडेंस को भी सफलतापूर्वक बनाए रखा था। हालांकि इसे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स और उसके बाद के समय में अहोम साम्राज्य कहा जाने लगा। यह अहोम किंगडम काफ़ी हद तक मल्टी एथनिक था जिसमें अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग रहते थे, लेकिन लगभग 600 साल तक शासन करने के बाद 18वीं शताब्दी के अंत में अहोम साम्राज्य एक के बाद एक रेबेलियन से कमज़ोर होने लगा था, जैसे कि मुआमोरिया रेबेलियन, डंडिया रेबेलियन इत्यादि। अहोम साम्राज्य के उस समय के प्रधानमंत्री पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ के प्रयासों के कारण सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया था और राज्य पर शाही अधिकार को मजबूती से स्थापित किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और अपने पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ अपने सभी रिश्तेदारों को अहोम साम्राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। उस समय के गुवाहाटी के राज्यपाल बोधन चंद्र बरफुकन, जिसे जातीय शत्रु माना जाता है असम में, पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। पहले उसने अपनी बेटी पूर्णानंद के बेटे को एक बड़े दहेज के साथ दे दी और फिर जल्द ही अपने ऑफिस का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जब पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ उस पर नाराज हुए, बदन चंद्र बरफुकन ने पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ की मर्डर करने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया। साजिश विफल रही और कॉन्स्पिरेटर्स को पनिश किया गया, लेकिन बदन बरफुकन बंगाल भाग गया था जो ब्रिटिश रूल के अधीन था। वो कलकत्ता गया और पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ को हटाने की मदद मांगते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मिले। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दूसरे स्टेट के इंटरनल मैटर में उनकी नॉन इंटरफ्रेंस की नीति बताते हुए बदन बरफुकन की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उस समय के आसपास बर्मिस किंग बोधाउपाया के मैसेंजर कलकत्ता की टूर पर थे। बदन बरफुकन जाकर मैसेंजर से मिले और मैसेंजर उससे बर्मा ले गया राजा बोधाउपाया से मिलवाने के लिए। बदन ने बर्मा के राजा बोधाउपाया से मिलने के बाद अपने पॉलिटिकल राइवल पूर्णानंद बुढ़ागोहाँ को हराने के लिए उनकी मदद मांगी। बोधाउपाया सहमत हुआ और उसने बदन के साथ भामो के एक जनरल के तहत एक एक्सपेडिशन भेजा जो जनवरी 1817 में असम में प्रवेश किया। पहली लड़ाई 27 मार्च 1817 को घीलाधारी में हुई थी। बर्मिज इन्वेजन 1817 और 1826 के बीच असम पर 3 बर्मिज आक्रमण हुए। इस दौरान असम राज्य 1821 से 1825 तक बर्मा के कंट्रोल में आ गया था। इस टाइम पीरियड को अहोमिया लोगों द्वारा मानव दिन कहा जाता है। लूटपाट, इमिग्रेशंस, इन सब चीज़ों के कारण पॉपुलेशन में तेज गिरावट ने असम स्टेट को जर्जर अवस्था में छोड़ दिया। यह अहोम साम्राज्य का क्लाइमेटिक पीरियड था। अप्रैल 1817 में बर्मिज आर्मी ने असम छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद बदन चंद्र की हत्या कर दी गई। फिर से बर्मिज ने एक बड़ी ताकत से असम में प्रवेश किया। उस समय के अहोम राजा राजा चंद्रकांत सिंह ने गुवाहाटी में अपना डेरा बनाया और महाराजा रंजीत सिंह की मदद से बर्मा के खिलाफ अपने मिशन का नेतृत्व दिया। पंजाब के महाराजा ने बर्मा के खिलाफ अहोम राजा के समर्थन में 500 से अधिक सिख सोल्जर्स की एक सेना भेजी। अंग्रेज जो पहले असम को कॉलोनाइज करने के लिए अनिच्छुक थे, अब एक जुझारू यानी एग्रेसिव और हॉस्टाइल बर्मिस आर्मी के सीधे संपर्क में आ गए। पहला एंग्लो बर्मिस वॉर के बाद ब्रिटिश ने असम पर कब्जा कर लिया और मणिपुर को एक सहायक राज्य के रूप में ले लिया। ट्रीटी ऑफ यंडबो। यंडबो की ट्रीटी एक पीस ट्रीटी थी जिसने फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर को समाप्त कर दिया। 5 मार्च 1824 को युद्ध छिड़ने के लगभग 2 साल बाद अहोम साम्राज्य, कचारी साम्राज्य या ट्रीटी में शामिल अन्य क्षेत्रों की उचित परमिशन और कॉन्सेंट लिए बिना 24 फरवरी 1826 को इस ट्रीटी पर साइन किए गए। ब्रिटिश साइड पर थे जनरल सर आर्किबाल्ड कैम्बल और बर्मा की ओर से लिगेंग महामिन ला क्याओ थे इस ट्रीटी के सिग्नेटरी। इस ट्रीटी के अनुसार बर्मा को असम, मणिपुर, रखाइन यानी अराकन इत्यादि राज्यों को अपने कंट्रोल से हटाकर अंग्रेज को दे देना पड़ा। असम के कछार रीजन और जयंतिया हिल्स जिले में भी सभी इंटरफेरेंस बंद करने पड़े।
1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रिटिश को देने पड़े और इत्यादि इत्यादि। और यंदबो की ट्रीटी के बाद असम जैसे क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।